हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एटम पे, एटॉमिक मास यूनिट पे। इस आज का जो टॉपिक होने वाला है वो भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं कि व्हाट इज एटम, एटम क्या है। देखो, जोल टॉन्टन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हम बात करते हैं कि एटम जो है वो मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ओके, तो एटम सबसे छोटी यूनिट है और जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग बताया गया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है फर्दर, ये सबसे छोटी यूनिट है। बट आगे चल के हमने एटम को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। और आपको पता होगा कि एटम में से हमें क्या क्या मिले, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये हमारी जो डेफिनेशन थी, ये हमारी ओल्ड डेफिनेशन थी कि एटम वो होता है जो मैटर की सबसे छोटी यूनिट है और उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। हम एटम को ब्रेक कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, प्रोटॉन्स में, न्यूट्रॉन्स में, ये टीनी पार्टिकल्स हमें वहाँ से मिल जाते हैं। चलो अब हम बात करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का एटम O, नाइट्रोजन का एटम N, सोडियम का एटम Na, ये हमारे क्या हैं, एटम्स हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि ऑक्सीजन को तोड़ के हाफ ओ आ गया। ओके, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, इसमें से कुछ सब पार्टिकल्स निकल जाते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो अब हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल की अगर बात की जाए, ये एक कॉम्बिनेशन है। किस चीज का कॉम्बिनेशन है, एटम्स का। अगर एटम्स को मिला दिया जाए तो हमें मिलता है मॉलिक्यूल। जैसे कि अगर ऑक्सीजन के दो एटम हमने लिए और हमारे पास आ गया O2, अब ये एक एटम है, बट यहां पे हमारा ये क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर O3 मिल जाए, ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। फॉस्फोरस P4, ये भी एक मॉलिक्यूल है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम है। सल्फर 8 की फॉर्म में, ये भी हमारा क्या है, मॉलिक्यूल है। अब बात करते हैं क्या CO2, यहाँ पे भी तो एक से ज़्यादा एटम है, क्या ये मॉलिक्यूल है, तो आंसर आएगा ये भी मॉलिक्यूल है। H2O, क्या ये हमारा एलिमेंट है, कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है, तो हम बताएंगे ये मॉलिक्यूल है और इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फंडा क्या है कि मॉलिक्यूल है क्या, मैं वो आपको क्लियर कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज़्यादा एटम के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अब एक से ज़्यादा जो एटम कंबाइन हुए वो सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब हम डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल को। हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, क्या क्या है हमारा, होमोजीनियस मॉलिक्यूल्स और हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल्स। अब होमो जो वर्ड है, आई थिंक आप समझते होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। होमो मीन्स सेम, याद रखना, काफी काम आएगा ये आगे। होमो मीन्स सेम। अब O2, यहाँ पे सेम एटम है, ये होमोजीनियस मॉलिक्यूल है। H2, F2, P4, S8, ये सभी मॉलिक्यूल हैं। और कैसे मॉलिक्यूल है, होमोजीनियस। अब हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल की। हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल वो होंगे जिसमें क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स कंबाइन हो रखे होंगे, जैसे कि CO2 कार्बन एंड ऑक्सीजन, H2O हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जहाँ पे डिफरेंट एटम का कॉम्बिनेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल। और जो हेट्रोजीनियस मॉलिक्यूल हैं हम उनको कंपाउंड भी बोल सकते हैं। क्यों, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या हो रखे होंगे, एटम्स कंबाइन होंगे और डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसी को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। चलो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट, जो हमारा जो डिस्कशन है वो है एटॉमिक मास यूनिट। क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट की बात की जाए तो क्या बोलेंगे, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। पहले हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, व्हाट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या होता है, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर हम बताएंगे कि कैसे एटॉमिक मास को फाइंड आउट किया जाता है। हमारा जो डिस्कशन है वो है एटॉमिक मास के ऊपर। चलो एटॉमिक मास, यहां पे हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ एन एटम
इज नोन एज एटॉमिक मास। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात यह है कि एटम का मास कैसे बताया जाए। एटम तो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, बहुत छोटी यूनिट है, उसका मास हम मेजर कैसे करें, ग्राम में करें, किलोग्राम में करें, या फिर किस चीज़ में मेजर करें। चलो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपको बताना है आपका मास। अब आपने बताया आपका मास है 60 kg, आप कैसे बता पाए आपका मास 60 kg है। चलो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। जो इंटरनेशनल हमारा जो सिस्टम होता है उसने डिसाइड किया 1 kg को, आपको पता होना चाहिए, प्लेटिनम और इरिडियम का एक एलॉय उन्होंने यूज़ किया, जिसकी यहाँ पे हाइट और ये चारों तरफ से हमारा क्या है, एक जैसा है। यहाँ पे इसको मान लिया गया 1 kg, है ना, एक स्टैंडर्ड ले लिया गया है। और ये किस चीज़ का बना है, प्लेटिनम का और इरिडियम का। काफ़ी लेस रिएक्टिव होते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं प्लेटिनम और इरिडियम, इसको स्टैंडर्ड माना गया है 1 kg का। ये चारों तरफ से एक जैसा है, उतनी यहाँ पे हाइट है, उतनी यहाँ पे, यहाँ पे इसकी लेंथ है। चलो अब क्या है, ये स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया गया कि जो इतना वेट होगा वो 1 kg होगा। अब आपको अपना मास मेजर करना था, देन आपने क्या किया, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे साइड में हमने क्या किया, 1 kg को रखा, हमने देखा कि आप यहां पे नीचे ही रहे, आप ऊपर नहीं गए। अब हमने क्या किया, यहां पे फिर 1 kg को रख दिया। ऐसे ऐसे करते करते हम आपके मास के इक्वल लेके चले गए। तो हमने कितने केजी रख दिया, 60 kg। इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मास है वो 1 kg के कितने टाइम है, 60 kg। ओके, मीन्स केजी का 60 टाइम है आपका जो मास है। अब जो आपका एक्चुअल मास है आप समझ सकते हो वो 1 kg के उतने ही टाइम है। अब ये तो हुआ किलोग्राम, एटम का मास किलोग्राम में या ग्राम में हम नहीं बता सकते क्योंकि उसका मास बहुत कम है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए भी हमें एक यूनिट बनानी पड़ी। ओके, तो जो भी चीज़ें सबके लिए हमें यूनिट बनानी पड़ती हैं। इसी तरीके से हमने क्या किया, एटम के लिए यूनिट बनाई, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ओके, ये एटम के मास को मेजर करने के काम आती है। क्या बोलेंगे हम, एटॉमिक मास यूनिट, इन शॉर्ट इसको AMU लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं AMU क्या है। चलो अब AMU है एटॉमिक मास यूनिट। अब जो AMU है उसको डिसाइड करने के लिए हमने क्या लिया, जैसे कि हम बात करते हैं हमने लिया था प्लेटिनम और इरिडियम का 1 kg के लिए, यहां पे यूज किया गया है 1 AMU के लिए 1/12 इंटू यहां पे कार्बन 12 का एक सिंगल एटम, मींस 1/12 इंटू कार्बन का एक सिंगल एटम, उसका जो मास है वो। अब बात ये होती है कि कार्बन का यहां पे एक एटम क्यों लिया गया है, कार्बन ही क्यों लिया गया है, हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया गया, ऑक्सीजन क्यों नहीं लिया गया। मैं उसका आंसर आपको दे रहा हूं। देखो जो कार्बन है उसकी जो अबंडेंस है, उसकी अबंडेंस का मतलब उसकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा है। माना जाता है हमारे यूनिवर्स में लगभग 10 मिलियंस या उससे ज़्यादा कंपाउंड हैं, जिनमें से अकेला कार्बन 5 मिलियन कंपाउंड रखता है। अगर आप देखेंगे तो आपको किसी भी चीज़ में कार्बन जरूर मिल जाएगा, हमारी बॉडी में कार्बन है। ओके, अगर आप चारों तरफ अपना फूड देख रहे हैं उसमें कार्बन है, मीन्स कार्बन आपको हर जगह पे मिल जाएगा। इसीलिए कार्बन के कंपाउंड कितने हैं, 5 मिलियन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, इसकी जो अबंडेंस है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड थिंग, ये ना तो हाईली रिएक्टिव है ना ही लेस रिएक्टिव है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है कि जो कार्बन है उस टाइम पे यहाँ, तब ये स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया उसका एक ही आइसोटॉप था, ओनली C12। हालांकि अब तो है बट उस टाइम पे C12 था आइसोटॉप। आइसोटॉप आप समझते होंगे, जिसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास डिफरेंट। हाइड्रोजन लेते तो हाइड्रोजन का क्या था, 1H1, 1H2, 1H3, क्या माने, मास 1 माने, 2 माने या फिर 3 माने, कन्फ्यूजन था, हमने नहीं लिया। और भी प्रॉब्लम थी, 1.008 एक्चुअल मास ये होता है हाइड्रोजन का, तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी।
और हाइड्रोजन इतना ज़्यादा अबंडेंट भी नहीं है। ओके, वैसे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, बट अर्थ की बात करेंगे तो अर्थ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे हम कार्बन की बात करते हैं। चलो, अब हमने ये क्लियर कर लिया कि हमने कार्बन 12 का ही एटम क्यों लिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट अब उससे पहले आपको ये क्लियर होना यहाँ पे होना चाहिए क्या कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल्स टू व्हाट, ये होता है 1.99 × 10⁻²⁰ ग्राम। ये है कार्बन के एक सिंगल एटम का मास। ओके, चलो ये हमने मेजर कर लिया। अब अगर हम इसको यहाँ पे पुट अप करते हैं, देन 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 × 1.99 × 10⁻²³। अगर आप इसको कट करेंगे देन आपका आंसर आएगा 0.166 × 10⁻²³ ग्राम। साइंटिफिक रोटेशन के बिहाफ पे लेफ्ट हैंड साइड एक नॉन जीरो होना चाहिए, पॉइंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये हो गया है 1 AMU। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि 1 AMU क्या होता है, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। चलो, अब हमने AMU को डिसाइड कर लिया है तो अब आप किसी भी एटम का मास बता पाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि किसी एटम का मास कैसे बताया जाए। आपने क्या किया, नाइट्रोजन का एक एटम लिया और उस नाइट्रोजन के एटम को आपने यहां पे रखा और यहां पे आपने क्या किया, 1 AMU को रखा। आपने देखा कि ये इक्वल नहीं हुए, आपने 1 AMU को फिर से रख दिया। ऐसे करते करते आपने टोटल कितने 14 AMU को यहाँ पे रखा। ओके, अब यहाँ पे नाइट्रोजन का जो मास है वो क्या माना गया, 14 AMU। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का मास अगर हमें करना है तो इसके कितने टाइम हो जाएगा, 16 टाइम। किसके 16 टाइम, AMU के 16 टाइम। ये कितने टाइम है, 14 टाइम। इस तरीके से आप किसी भी एटम का मास बता पाएंगे। अब आपको AMU पता ही है क्या होता है, 1.66 × 10⁻²⁴। ये AMU की वैल्यू है। चलो, अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और कुछ चीज़ें और क्लियर करता हूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए और केमिस्ट्री के लिए। वो क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। मान लो आपको दिया गया नाइट्रोजन, आपसे पूछा गया नाइट्रोजन का मास क्या है। मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं 14, बट व्हाट 14 व्हाट, यूनिट तो आपने बताई नहीं, 14 U और यहाँ पे 14 Z। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप कहीं पे AMU लिखते हैं कहीं पे U, मैं आपको बता देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट, इसको इन शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, इसको हम U से डिनोट करते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई थी, एटॉमिक मास यूनिट ये एटम की यूनिट है बट हम इसको यूज़ करते हैं कंपाउंड के लिए भी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि ये तो एटम की यूनिट है, आप मॉलिक्यूल के लिए कैसे यूज़ करते हैं, मॉलिक्यूल के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए इसको चेंज करके क्या कर दिया गया, यूनिफाइड मास, यू से हम इसको रिप्रेजेंट करने लगे। ये एटम के लिए भी काम करता है और ये मॉलिक्यूल के लिए भी काम करता है। चलो, अब आपको दे दिया गया 14 U और 14 G, क्या ये सेम है या फिर ये डिफरेंट है। देन हमें कन्फ्यूजन होता है कि ये सेम ही है या फिर डिफरेंट है। अब लग तो रहा है कि यूनिट में कुछ गड़बड़ है, 14 यहाँ है 14 Y, बट यहाँ U है वहाँ Z है। ये कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम नहीं होंगी आपसे। चलो मैं आपको बताता हूँ 14 U, अगर आप 14 U की बात करेंगे तो ये है मास ऑफ वन एटम। ये एक नाइट्रोजन के सिंगल एटम का मास है और 14 Z मास ऑफ वन मोल एटम। ये एक मोल नाइट्रोजन के एटम का मास है, ये वन मोल एटम का मास है और ये एक एटम का मास है। अब हमें प्रॉब्लम क्या हो गई, ये 14 इतना एग्जैक्ट कैसे हो गया कि ये 14 और ये भी 14। आप क्लियर कर सकते हैं इस चीज को कैसे, 14
को कन्वर्ट कर लो ग्राम में, वन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वन यू, यहाँ पे यू की वैल्यू पुट अप करेंगे 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। आप इसको सोल्व करके देखें, सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 23.24 × 10⁻²⁴ ग्राम। ओके, अब ये है एक एटम का मास, किसमें है ग्राम में, ये एक एटम का मास है नाइट्रोजन के, एक एटम का मास ग्राम में। अब आपको वन मोल एटम का मास देखना है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि वन मोल होता है वन एवोगैड्रो के इक्वल, और वन एवोगैड्रो होता है 6.022 × 10³ के इक्वल। अगर आप एक एटम का मास जानते हैं और आपको पता है वन मोल यहां पे इतने एटम रखता है, वन मोल में ये एटम्स हैं, क्या करें, मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.022 × 10³। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ये कट गया, माइनस वन बचा, इसको मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर आएगा 139.9 × 10⁻¹। 10⁻¹ को हटा देते हैं, ये पॉइंट हम आगे ले लेते हैं, मीन्स हमारा आंसर आ गया 13.9, जो अप्रोक्स क्या हो गया 14 ग्राम। ओके, अब आप किसी भी एटम के लिए आप बता पाएंगे, और कभी भी आपको U और G दे रखा होगा तो समझ जाएंगे, U दिया गया है मीन्स एटम की बात हुई है, G दिया गया है मीन्स मोल की बात हुई है। ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए, आप ऑक्सीजन के लिए भी इजीली बता पाएंगे, सेम यही हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के लिए भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा। चलो, अब ऑक्सीजन के लिए हमें देखना है क्या ये फॉलो होता है या नहीं होता है। चलो, ऑक्सीजन आपको दिया गया 16U 16G। अगर आपसे पूछा जाए 16U क्या है, आप बोलेंगे ये एक सिंगल एटम का मास है। ओके, ये सिंगल एटम का मास है और ये वन मोल एटम्स का मास है। चलो, अब हम देखते हैं क्या 16 को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 × 10⁻²⁴ g से। यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई किया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपका आंसर आएगा 26.25 × 10⁻²⁴ ग्राम। ये एक सिंगल एटम का मास है, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का मास। अब आप चाहते हैं वन मोल, अब वन मोल के अंदर कितने एटम्स, 6.022 × 10³। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, देन आपका आंसर आएगा 15.9, जो अप्रोक्स क्या हो गया है 16। तो 16 ग्राम जो हुआ वो हुआ वन मोल ऑक्सीजन एटम का मास, और 16U हुआ ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम का मास। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कभी भी अगर ये दिया जाए तो आप इस प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में इसके ऊपर प्रॉब्लम करवाने वाला हूँ, वहाँ पे यूनिट जरूर देखेंगे, यू दिया गया है या फिर जी दिया गया है। अगर आपने यूनिट पे ध्यान नहीं दिया, आपका जो न्यूमेरिकल आएगा वो गलत हो जाएगा। चलो, अब हमें एक चीज़ और भी पता लग गई है कि 1 AMU 1/Avogadro भी हो सकता है। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा, 1 AMU = 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम। आप इसको सोल्व करके भी देख सकते हैं। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर हो गया है। थैंक यू।